हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है यहां पर, जो है बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसीज़ हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर भर्ती होने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा में कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों से भारी मात्रा में निम्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी की जो है एक तरह से एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, 102 महतारी एक्सप्रेस में भर्तियां होंगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पद हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन यानी EMT, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता दोस्तों BSc नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ड्राइवर पोस्ट है, ड्राइवर का ज़्यादातर यहाँ पर पोस्ट रहेगा, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण न्यूनतम होना चाहिए और LMV कमर्शियल लाइसेंस एवं 2 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ड्राइवर के लिए आप देख सकते हैं LMC कमर्शियल लाइसेंस और 2 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव के साथ 8वीं कक्षा न्यूनतम उत्तीर्ण होना चाहिए, ये इसके ड्राइवर के लिए मांगा गया है। साथ ही बात करें टेलीकॉलर केवल रायपुर के लिए, ठीक है, तो केवल रायपुर में इसकी पोस्टिंग होगी और स्नातक व कंप्यूटर का ज्ञान इसमें होना चाहिए और साथ ही टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है स्नातक और कंप्यूटर का ज्ञान, टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट, तो ये जो है टेलीकॉलर के लिए है जो कि रायपुर में होगी। और बाकी जो 2 अन्य पोस्ट हैं, नंबर 1 और नंबर 2, वो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए रहेगी। यहाँ पर दोस्तों साक्षात्कार के जरिए भर्ती किया जाना है, तो साक्षात्कार का डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, साक्षात्कार हेतु समय व दिनांक। यहाँ पर आज 3 तारीख है, इस वीडियो को 3 तारीख को बनाया जा रहा है, 3 सितंबर को। यहाँ पर देखेंगे जगदलपुर के जो समस्त ज़िले हैं, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, तो इसके लिए 1 सितंबर से 3 सितंबर की बात की जा रही है। तो हो सकता है ये वीडियो उनके लिए थोड़ा सा लेट हो जाए। ठीक है, समय आप देख सकते हैं 11:00 बजे से 5:00 बजे तक और स्थान रहेगा इंडोर स्टेडियम स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब के सामने रायपुर, ये इसका एड्रेस रहेगा। इसका देखेंगे नंबर 2 सरगुजा, जो सरगुजा संभाग के लिए है उसमें सरगुजा, बलरामपुर, बस्तर, कोरिया, सूरजपुर, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इत्यादि जिलों के लिए 4 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक, समय वही रहेगा 11:00 बजे से 5:00 बजे तक और इंडोर स्टेडियम स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब के सामने रायपुर। बिलासपुर के लिए जो अलग अलग सभी बिलासपुर संभाग के ज़िले हैं उनका 7 सितंबर से 9 सितंबर तक, दुर्ग संभाग के जितने भी ज़िले हैं यहां पर से आप देख सकते हैं 10 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक, और रायपुर संभाग के लिए जो भी ज़िले हैं बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, उनका 13 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक जो है साक्षात्कार की तिथि है। ठीक है, समय वही रहेगा और स्थान वही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर और जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि संभागीय एम्बुलेंस प्रबंधक, जिला प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधक एवं कॉल सेंटर की टीम लीडर के पदों के लिए ईमेल आपको करना है, ये जो ईमेल एड्रेस दिया गया है अपना बायोडाटा वहाँ पर आपको भेजना है, ये बताया गया है। यानी कि संभागीय एम्बुलेंस प्रबंधक, जिला प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधक एवं कॉल सेंटर टीम लीडर के पदों के लिए, तो ये इतने जो विभिन्न पद बताए गए हैं उसके लिए आपको दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना बायोडाटा भेजना है। बाकी जो ऊपर पद मैंने बताए 1, 2, 3 नंबर के, उसके लिए आपको साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा उम्मीदवार को अपने मूल दस्तावेज एवं 2 सत्यापित छायाप्रति सहित साक्षात्कार हेतु केवल अपने जिले अनुसार उपरोक्त तिथि पर ही उपस्थित होना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना है, समस्त मूल दस्तावेज जो आपकी जाति है, निवास है, इसके अलावा 2 सत्यापित छायाप्रति सभी दस्तावेजों की और फोटो भी आप अपने साथ रख लेंगे। संबंधित नियुक्तियां कैंप की HR मानव संसाधन प्रबंधन की नियमावली के अनुसार की जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दिया गया है, कैंप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहां पर दिया हुआ है, यहां पर से आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है camp.org.in। ठीक है, तो यहां पर आप अपने स्तर पर पूरे चेक करने के बाद वहां पर जाइएगा और यहाँ पर वेबसाइट को विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा और इसके लिए पूरी जानकारी आप जुटा करके वहाँ पर आप उपस्थित हो सकते हैं। बाकी अन्य कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।